हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं फिर आपके सामने एक और वैकेंसी के साथ आया हूँ। इस बार फॉर ICFRE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी ने LDC और MTS के लिए वैकेंसीज जारी की गई है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर देखा जाए तो एप्लीकेशन जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है और जो पोस्ट के वैकेंसी है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क। इसका पे लेवल जो है लेवल 2 यानी सेंट्रल का 7th पे CPC पे लेवल होगा और इसमें सिर्फ एक वैकेंसी है। अगर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन देखा जाए तो आपको 12th पास करनी होगी और उसी के साथ साथ आपको टाइपिंग भी आनी होगी। अगर एज लिमिट देखा जाए तो 18 से 27 को लेकर होगी के बीच में होनी चाहिए। वही MTS की वैकेंसी के लिए 3 पद है और पे लेवल जो है लेवल 1 सेंट्रल पे होगा। उसके लिए सिर्फ मैट्रिकुलेशन पास होना ज़रूरी है, सिर्फ 10th पास डिज़ायरेबल। यानी कि अगर आपको इसमें कुछ भी एक्सपीरियंस हो जैसे कि गार्डनिंग, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, तो इसमें आपको भी फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर से देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ CPC वैकेंसी जो है ये 1 और 3 दिखा रहा है, पर कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि पोस्ट जो है टेंटेटिव है, यानी कि पोस्ट सिर्फ 1 या 3 नहीं, कुछ और भी बढ़ सकते हैं। यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो वैकेंसीज है वो आपको भरते समय और भी ज़्यादा होने की चांसेस हैं और क्वालिफिकेशंस जो है मैंडेटरी है। अगर एप्लीकेशन फ़ीस देखा जाए तो दोस्तों, OBC और UR वालों के लिए 300 रुपये की फ़ीस है और SC और ST वालों को कोई भी फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस पद को सेलेक्ट होने के लिए आपको एक रिटर्न एग्ज़ामिनेशन रखा जाएगा। उसमें जो है ये वाली क्वालिफिकेशन मार्क्स आपको आनी होगी। UR और EWS के लिए मिनिमम 50%, OBC वालों के लिए 45% और SC और ST वालों के लिए 40% आना ज़रूरी है। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपके, अगर MTS की बात की जाए तो आपके रिटर्न टेस्ट के मार्क्स के हिसाब से होगा। वही LDC के लिए रिटर्न टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन किया जाएगा। और बाकी दोस्तों, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग CEC विशाखापट्टनम या फिर ICFRE हैदराबाद में ज़रूर होगी। अगर देखा जाए, ये सब जनरल इंस्ट्रक्शंस है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा जब भरते समय। अगर सिलेबस की बात की जाए, अगर सिलेबस की बात की जाए तो LDC के लिए 4 सेक्शन होंगे। एक होगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड होगा, दूसरा इंग्लिश, तीसरा जनरल अवेयरनेस और चौथा जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि 100 मार्कों के लिए होगा। और उसके बाद जो इसमें क्वालिफाई करते हैं उनके लिए स्किल टेस्ट होगा। वही MTS के लिए भी सेम पैटर्न होगा। रीजनिंग के 25 मार्क, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 और GA के 25। और दोस्तों, इसी के साथ साथ इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 1 मार्क आपके लिए करेक्ट आंसर के लिए होगा और 1/4 मार्क आपका क्वेश्चन अगर रॉन्ग होने पर कट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक